हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आइको स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। दोस्तों, आइको स्मार्टफोन ब्रांड अब ऐसा ब्रांड नहीं रहेगा जिसके हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, आइको के जो भी स्मार्टफोन होते हैं वो गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं, यानी परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा होता है इसका स्मार्टफोन। तो दोस्तों, जो नया स्मार्टफोन है आइको नियो 6, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम स्मार्टफोन का नाम आपको बता चुके हैं, आइको नियो 6 5G। जी हाँ दोस्तों, ये 5G स्मार्टफोन होगा, और इसके साथ साथ आइको ने अपना नियो सीरीज का यह पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब नियो सीरीज में अभी नियो 6 है, नियो 7, नियो 8, ना जाने कितने स्मार्टफोन इसके बाद लॉन्च होंगे। इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन कंपनी के द्वारा ऑफिशियल बताए गए हैं, जिसमें पहला है दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर दिया जाएगा उसके बारे में बता दिया गया। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा 870 का प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का। और दूसरा जो फीचर इसमें दिया जाएगा, इसमें आपको 4700mAh की बैटरी मिलेगी। 4700mAh की बैटरी कोई बड़ी बैटरी नहीं होती है, लेकिन जो इसमें 80W की चार्जिंग दी गई है उससे इसका बैटरी काफ़ी अच्छा हो जाता है। यानी कि इसकी बैटरी जो है 0 से 50% होने में मात्र 12 मिनट का टाइम लेगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। बैटरी छोटी है तो क्या हुआ, चार्जिंग सपोर्ट काफ़ी बड़ी दी गई है। यही दो स्पेसिफिकेशन कंपनी के द्वारा ऑफिशियल रिवील किया गया है। इसके अलावा कई सारे लीक्स में इसके सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बता दिया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी स्मार्टफोन को लॉन्च होने से पहले उसके सभी स्पेसिफिकेशन पहले से रिवील हो जाते हैं, तो इसके भी कई सारे स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुके हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में इसको बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो आगे हम आपको इसके सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में आपको बताएंगे, और इसे भारत में एग्जैक्टली किस डेट को लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और आप जानते हैं इसके बारे में। इस स्मार्टफोन को 3 कलर वेरियंट में लॉन्च होने की बात पता चली है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक है ऑरेंज, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ब्लैक। इसके अलावा एक हल्का सा ग्रीन कलर भी लॉन्च हुआ है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में अभी कंपनी ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। बात करते हैं इसके सभी स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले इसकी होगी 6.62 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्रोसेसर 870 का स्नैपड्रैगन का मिलेगा। बैटरी 4700mAh की 80W की चार्जिंग के साथ। कैमरा मिलेगा मेन कैमरा 64MP का, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर। सेल्फी के लिए आपको इसमें 16MP का कैमरा मिलेगा। और इसकी जो पोस्टर है वो अमेजोन इंडिया पर लिस्ट कर दिया गया है, यानी इसको 31 मई को पक्का लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं इसकी कीमत की। तो कीमत दोस्तों, अभी कंपनी ने कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसकी कीमत 30 से 32 हज़ार रुपये के बीच में आसपास होगी। अगर 30 से 32 हज़ार रुपये के आसपास में ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है इसके परफॉर्मेंस और इसकी स्पेसिफिकेशन को देखिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।